Good morning friends, we are going to learn 12th standard new syllabus first poem. First poem, Song of the Open Road. Let's begin. Aziz Tulba Talibat, dear students, hum aaj 12th standard ki first poem Song of the Open Road isko padhenge aur ise samajhne ki koshish karenge. Song of the Open Road ise likha hai Walt Whitman ne. ये 1819 में पैदा हुए और 1892 में इनका डेथ हुआ. वॉज एन अमेरिकन पोएट, ये एक अमेरिकन पोएट थे. एसेस्ट, मजमून निगार यानी मजमून लिखते थे. एंड जर्नलिस्ट, और वो एक पत्रकार भी थे यानी जर्नलिस्ट थे. विटमैन इज़ अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स इन द अमेरिकन कैनन एंड इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ रिवर्स. विटमैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल यानी असर रखने वाले एक अमेरिकन पोएट है, और वो फ्री वर्स के फादर भी कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर अपनी पोएम्स फ्री वर्स में लिखी है. ही ग्रू अप इन हटिंगटन इन अ फैमिली विथ डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक स्टेटस. वो हटिंगटन में अपने फैमिली में बड़े हुए जहाँ पर उनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था. हिज मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 1855. उनका जो सबसे बड़ा कारनामा था और लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में पब्लिश हुआ. हिज ओ कैप्टन माई कैप्टन अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन इज़ अ वाइडली पॉपुलर. और उन्होंने जो पोएम लिखा था ओ कैप्टन माई कैप्टन अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, ये अब्राहम लिंकन की डेथ पर उन्होंने ये पोएम लिखा था, बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई. द सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. ये सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड जो है लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है और ये सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करता है, यानी कोई ह्यूमन अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश करे. फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट. फ्री विल यानी अपनी आज़ाद सोच, और दिल है तो बहुत ही ज़्यादा खुला रहना चाहिए. और नज़ाकत, टेंडरनेस नज़ाकत, दिल की नज़ाकत. इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन डेट लॉन्ग जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम विच इज़ नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी. अब उनका जो विजडम है वो टेस्ट किया जाता है स्कूल में या यूनिवर्सिटी में नहीं, वो रियलिटी में अपनी ज़िंदगी में ही टेस्ट किया जाता है. अ रोड इज़ समथिंग एवरी वन यूजेस, एक रास्ता जो हर कोई देखता है इस्तेमाल करता है. वेदर रिच और पुअर एंड इट फोर्सेस ऑल लेवल्स ऑफ पीपल टू एसोसिएट विथ वन अनदर. और ये गरीब अमीर तमाम लोगों को यकजा कर देता है, जोड़ देता है. द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी, ये रोड जो है ये एक मोबिलिटी को सिग्निफाई करता है यानी इशारा देता है. वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट और टू स्टार्ट ओवर टूअर्ड समथिंग न्यू. और कोई भी किसी रोड को स्टार्ट कर सकता है एज ए टिपिंग पॉइंट जहाँ से उसे शुरू करना है. विटमैन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस. विटमैन अक्सर पीपल और प्लेसेस के बारे में बात करते हैं. ही आर्ग्यूस अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग अल्दो द हॉस्पिटैलिटी मे बी ट्रू. तो वाल्ट विटमैन आर्ग्यू करते हैं कि एक ही जगह रुके रहना जहाँ पर आपको बहुत अच्छा काम भी मिल रहा हो या हॉस्पिटैलिटी मिल रही हो, ये सही नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए. लेट्स बिगिन सॉन्ग ऑफ द रोड. इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड. अब देखिए यहाँ फर्स्ट वर्स के फर्स्ट वर्ड से ही यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि हमें हर चीज़ में तरक्की की राह पर शुरुआत करना चाहिए. अब ये अ फूट के मैंने तरक्की के लिए पहला कदम बढ़ाना. अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड यानी पहला कदम मैंने खुले दिल से या लाइट हार्टेड यानी खाली दिल से शुरू किया और आगे बढ़ गया. हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, और मेरे लिए ये पूरी दुनिया जो है बहुत ही खुशियों भरी है और खुली है. द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज़. और ये जो गहरा रास्ता है, जो लंबा रास्ता है, ये मुझे जहाँ पर भी ले जाए मेरे लिए खुला है, मैं वहाँ जाना चाहूँगा. हैंस फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून. और इसीलिए हैंस फोर्थ यानी आगे का रास्ता यानी आगे की किस्मत,
आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, मेरे लिए ये कोई बहुत ही अच्छा फॉर्चून खुशकिस्मती की बात नहीं है। आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्चून, मैं अपने खुद के लिए एक बहुत अच्छी किस्मत रखता हूँ। हैंस फोर्थ आई विम्पर, नो मोर पोस्टपोन, नो मोर नीड नथिंग। और इसीलिए मैं अपनी कमज़ोरी नहीं बताता और अपनी कमज़ोरी का रोना नहीं रोता, कोई चीज़ को पोस्टपोन यानी आगे नहीं बढ़ा देता, रद्द नहीं करता, मुलतवी नहीं करता। नो मोर नीड नथिंग, और कुछ उसे उसमें मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरलोस एंड क्रिटिसिज्म। और मैं इंडोर कंप्लेंट यानी अपने खुद की कंप्लेंट नहीं करता हूँ, लाइब्रेरीज यानी अपने अंदर दिल में ख्यालात भर कर नहीं रखता हूँ, जो मजमुआ हो जाता है, जो जमा अल्फाज को जमा कर लेता हूँ ख्यालात को। क्वेरलोस चिड़चिड़ापन या शिकायत करना, तो मैं क्वेरलोस भी नहीं हूँ। क्रिटिसिज्म, और अपने आप से मैं किसी की तनखीद नहीं करता ना ही अपनी। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, मैं बहुत मजबूत हूँ और दिल से खुद एतमादी झलकती है, मैं मुतमईन हूँ। कंटेंटमेंट के मैंने होता है इत्मीनान करना। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड द अर्थ डैट इज़ सफिशेंट, और बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान के साथ मैं लंबे रास्ते की तरफ सफ़र करूँगा, ये दुनिया मेरे लिए काफ़ी है। द अर्थ इज़ सफिशियंट फॉर मी। आई डू नॉट वॉन्ट द कंस्टेलेशंस एनी नियरर, और मैं किसी किस्म के कंस्टेलेशंस की मुझे ज़रूरत नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय कंस्टेलेशंस? कंस्टेलेशंस मीन्स डेस्टिनी, खुशकिस्मती, खुशबख्ती, या फिर आप कह सकते हैं कि नक्षत्र की तरफ से किए गए जो काम यानी सितारों का खेल जो मेरी किस्मत को जगा दे। आई डू नॉट वॉन्ट द कंस्टेलेशंस एनी नियरर, मुझे किस्मत के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं उसके ऊपर नहीं चाहता कि किस्मत के जो सितारे हैं मेरे लिए कोई नज़दीकी लाए। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे वेयर दे आर, और मैं जानता हूँ कि किस्मत के सितारे जहाँ हैं वहीं अच्छे हैं और वो वहीं रहे। आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी है। सफिस काफ़ी रहना, इनफ रहना। आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, और मुझे लगता है कि वो उनके लिए काफ़ी है जिनसे उनका ताल्लुक़ है, उन सितारों का यानी ज्योतिषियों के लिए। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, स्टिल यानी अब भी। हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, मैं अपने पुराने डिलीशियस मज़ेदार बर्डन्स बोझ उठाकर चल रहा हूँ। देखिए बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। आई कैरी देम मैन एंड वीमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो, और मैं उन्हें लेकर चलता हूँ, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, और मैं जहाँ जाता हूँ वो मेरे साथ होते हैं। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम, टू गेट रिड ऑफ ये एक फ्रेज़ है। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम, मैं कसम खाता हूँ कि ये मेरे लिए नामुमकिन है कि इनसे पीछा छुड़ाऊँ। टू गेट रिड ऑफ, कि मैंने पीछा छुड़ाना। आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न, मैं उनसे भर चुका हूँ और मैं उन्हें भी भरने वाला हूँ रिटर्न में। इसे लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। अगले वीडियो में हम इसके एप्रिसिएशन और इसके एक्टिविटीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।